नमस्कार, यू तारना न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवकुमार प्रजापति। खबर आ रही है जनपद गाजीपुर से, जहां पर 3 महीनों से जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को आवागमन करने के लिए गंदे पानी के बीच से गुजरने को विवश होना पड़ रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद संबंधित द्वारा ध्यान नहीं देने से संक्रमण रोगों का फैलने का अंदेशा बढ़ चुका है। जल निकासी के लिए लोगों ने शनिवार को जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। ताजा तरीन धार्मिक एवं सनसनीखेज खबरों के लिए लगातार देखते रहे युद्ध का नर। जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र के बहुआरा गांव में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि इमरान खान के द्वारा जल निकासी के लिए ग्राम पंचायत निधि से लाखों रुपये खर्च कर नाली निर्माण का कार्य कराया गया था। आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा नाली निर्माण कार्य बीच में ही रोक दिया गया। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकी, जिससे संबंधित मोहल्ले वाले को गंदे पानी के बीच से होकर तथा दूसरे के दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता है। रमाशंकर पांडे, अफरोज खान, सेहरान खान, संदीप कुशवाहा, कलीम खान, सलाउद्दीन गुफरान, प्रमोद यादव, नरसिंह चौरसिया, डॉक्टर शिवाशंकर शर्मा, विजय आदि ग्रामीणों ने कहा कि गांव की पानी निकासी पहले व्यक्तिगत कायस्थकार की जमीन के माध्यम से ही कच्ची नाली के जरिए होता आया था, लेकिन कायस्थकार भूस्वामी के द्वारा अपनी जमीन पर मकान बना दिया गया, जिसके कारण पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है। करीब 3 महीने से सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। आने जाने वाले लोगों को गंदे पानी के बीच से ही होकर गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों के द्वारा ग्राम प्रधान और उप जिलाधिकारी तथा अन्य आला अधिकारियों से नाली निर्माण कराने की जोरदार मांग की गई है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि इरफान खान ने बताया कि गांव में जल निकासी की समस्या को लेकर नाली निर्माण कार्य शुरू कराया गया था, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा इस पर आपत्ति जताते हुए कार्य रुकवा दिया गया। मामले में निस्तारण के लिए SDM सेवराई एवं क्षेत्रीय थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन अभी तक समस्या यथास्थिति बनी हुई है। राजस्व अधिकारियों के द्वारा मौके पर आकर समस्या का निवारण कराने के लिए ही नाली निर्माण कराना पाना संभव है। यदि उच्च अधिकारी इस पर ध्यान देते हैं तो नाली निर्माण जरूर हो सकता है। यह खास रिपोर्ट थी गाजीपुर न्यूज ब्यूरो नसीम खान की।